सरकार के वादा खिलाफ के कारण हम यहाँ पर बैठे हैं। पिछले साल 16 दिन की हमारी हड़ताल चली थी, उस दौरान सरकार ने हमसे बातचीत करके हमारे कुछ मुद्दे सुलझाने का वादा किया था, लेकिन एक भी मुद्दे पर सरकार खड़ी नहीं उतरे। सारे के सारे जो बाहर आकर के वो मुकर गए। उन्होंने कहा था कि हम ठेका पता बंद कर देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराएंगे, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे, पंजाब के समान काम वेतन देंगे, समान काम समान वेतन लागू कराएंगे। बहुत से वादे जिसमें सीएम साहब खुद शामिल थे और निकाय मंत्री कविता जैन हुए, दो मंत्री और शामिल कमेटी में थे, लेकिन उसके बावजूद पत्रकारों के सामने भी उन्होंने बयान दिया कि हमने कर्मचारियों मांग मान ली। एक साल से ऊपर समय बीत गया, आज तक उन्होंने का लेटर जारी नहीं किया है। इस सरकार के को हमने बार बार चेताया, 20 जुलाई 2019 को फिर हमारे को बातचीत के लिए बुलाया गया। सर्व कर्मचारी संघ के साथ इस सरकार की बात हुई, उन्होंने फिर हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपकी बातें मान लेंगे और लेटर जारी कर देंगे, लेकिन ये सरकार इतनी झूठी है, धोखेबाज है कि उस बार बार हमारे को बरगलाने का काम कर रही है, हमारे साथ धोखा करने का काम कर रही है, लेकिन इस बार हम कर्मचारी धोखे में आने वाले नहीं हैं। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है, या तो हमें गोली मार दे या हमारी रोजी रोटी का प्रबंध सरकार करे। सरकार अपने किए हुए वादे निभाए और हम इस हड़ताल को 3 दिन की हड़ताल तो सुनिश्चित है, और अगर जरूरत पड़े तो इसको अनिश्चित काल में बदल देंगे। हमारी मुख्य मांगों में है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा को बंद करना, समान काम समान वेतन लागू करना, रिस्क अलाउंस देना, पंजाब के समान काम वेतन देना। इस तरह की बहुत सी हमारी मांगे हैं। जो 100-100 गज के प्लाट हैं गरीब कर्मचारियों को 100-100 गज के प्लाट देना, ये जो बार बार यहाँ भर के मना कर रहे हैं इन सभी मांगों पर, तो अब की बार हमारी आर पार की सरकार के साथ लड़ाई है, या तो हमारी मांगों को पूरा करें अन्यथा हम सरकार की ईंट चेंट बजा देंगे। धन्यवाद।